हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम आए हैं ट्रैवल करने, मतलब हम आए ट्रैवल करने। मैं तो नहीं आई हूँ, मैं तो यही रुकूंगी। तो अभी हम आए हैं इंडिया की क्लीन सिटी में। तो आप बता दो इंडिया की नंबर वन क्लीन सिटी कौन सी है, कॉमेंट करो जल्दी से। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हूँ, बस मैंने इतना बोला है कि हम आए हैं इंडिया की नंबर वन सिटी में, क्लीन क्लीन स्वच्छ भारत। कैसा हो गया, मैं तो भूल गई, खुद मैं खुद 4 साल बाद आ रही हूँ यहाँ पर। तो ओके गाइस, मिलते हैं आपको मेरे नानी के घर। निकल चुके हैं और अब चलते हैं ऊपर। हम जा रही है यहाँ पे। क्या बन रहा है खाने में हमारे लिए? हेलो रिद्धि, कैसी है? अच्छी हूँ मैं। मासी को चढ़ाने के लिए ज्यादा डालूंगी मैं। ये तो मैंने कर लिया, मैंने गरम डाला है। ये अच्छी चीजें देख। क्या ये? चाय आपकी बनाई थी? नहीं। देख, अच्छी बात है। अच्छी ओट्स पफ अच्छा है। ये क्या चीज़ है? अच्छी पैकेजिंग है इसकी। चना जोर गरम, बाजरा पूरी, पलक चिवड़ा, टंका क्या, ओट्स पॉप खाऊंगी। देखते हो अब इसकी कितनी ऑर्गेनिक पैकेजिंग है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये नाना नानी जी मुझे लेके आए थे। मम्मी के लिए नानी जी स्पेशल थुल्ली बना रही थी और थुल्ली जाके ऊपर चली गई। और देखो मम्मी का भुगतान मेरे को करना पड़ रहा है यहाँ पे। नहीं हुआ अभी। Guys, अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट और मेरी मामी जी लेट कर रही है और अभी भी वो आई नहीं है यहाँ पे। मैं 1 घंटे से मामा और मैं वेट कर रहे हैं और मम्मी भी वहीं लेट हो रही है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखिए ऐसे लेट हो रहा है। मामी जी जल्दी आओ जी, चलो जल्दी, लेट कितना करोगी आप? चलो चलो चलो, लेट्स गो डी मार्ट शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। मम्मी आपके अकेले जाने का बस चल रहा है, ये अलग ही धक्का दे रहा है। मामी जी आने को रेडी नहीं। 0 पे तो क्लिक करो, वहाँ पे दबाओ। मामी जी देख लो, मम्मी अकेले अकेले जा रही है। नहीं सीधे सीधे आना है अपने, लिफ्ट नहीं, लिफ्ट है ना। मामी जी और थोड़ी लेट आ जाते हैं। मामी जी यार, मामी जी हम आए हुए 10 मिनट हो गया, अब आए 10 मिनट बाद में दोबारा। ये तो बहुत झूठ बोल रही है तू, अगर तू बोल रही है। मामा आप बताओ 10 मिनट बाद आई ना मामी जी? बोलो मामा, ऑलवेज लेट। तैयार होने में नहीं लगाती मामी जी, रुक जाती इधर उधर कहीं पे। इतना पार्किंग के लिए इतनी मेहनत मेहनत क्या? दिख रहा है आपको कितने फ्लोर जाना है? नहीं दिख रहा अभी। हम आए उधर अंधार से और इधर से खुल गया। वाह वाह वाह, लेट्स गो अंदर। छोटी छोटी लेट्स मेक री डांसी डांसी गेटो। कैन यू सी इतना सारा सामान और वो 2 ट्रॉली और वहाँ पे है अभी, और ये अभी चल रहा है और यहाँ बिलिंग का सेशन चल रहा है। और ये रे मामा, मामा सारी 2000 के नोट निकाल रहे हैं इसी वक्त। ढड़ ढड़ है। मामी जी के अनाउंसमेंट करा रहे पायल कांकरनी, क्योंकि मामी जी बहुत टाइम लगा रही है शॉपिंग करने में इसलिए। बिलिंग काउंटर 5 गाइस हमारी ये ट्रॉली है और 10K के ऊपर सामान आया है। और ये रहा, और ये रही मामी जी। शिट मामी जी, आज मामी जी पता नहीं कहाँ ऑफ है। उन्होंने वो बटन भी दबाया, उनके बाजू में था तो भी हम खड़े के खड़े रह गए। और मामी जी का अनाउंसमेंट भी आज हो ही गया। चलो अब उधर चलो, शॉपिंग शॉपिंग। और शॉपिंग देखो गाइस, हमारी 3 ट्रॉली। गाइस बताइए कितने का होगा ये सारा सामान। गाइस हम आज के हैं, ये रही खुशबू, हमने इसको पिकअप कर लिया है और रितिका को छोड़ दिया हमने आगे। सो गाइस ये दोनों आ चुके हैं। हाँ हमें भी पता है ये बात, तुम रहने दो, तुम्हें पता। मामा ये रहे, हम ये रहे, ये मैं रही, मतलब ये रही, पता नहीं कैसे दिखाऊं, पढ़ाया सिमा ये रही, ये रहे 2 कार्टून। और बेचारी वो नर्वस होती हुई, थोड़ी इंट्रोवर्ट है हमारी खुशबू।
तभी हम यहाँ के सबसे फेमस सैंडविच वाले के यहाँ पे आए हैं ही, मधुराम सैंडविच पे आए हैं अभी हम, जो कि सबसे बेस्ट सैंडविच है इंदौर का। और मामी यहाँ पे ऑर्डर दे रही है, मम्मी देवियो। अब मेरी मामी जी लेके आ चुकी है सबसे फेमस सैंडविच, बहुत अच्छा दिख रहा है। इससे अच्छा तो मेरी मामी जी बनाती है, सही बताऊँ तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छी बनाती। बाय, अब हम खाते हैं। बाय मामा, बाय मोटू। शॉप है मधुरम सैंडविच की। और कुछ कहना चाहोगे इस सैंडविच वाले, सॉरी मधुरम सैंडविच वाले के बारे में? यार मामा आप ऐसे मत करो। और देखिए रिद्धि बिल्कुल भी सैंडविच का एक पीस भी नहीं खा पा रही है। बट कैसा लगा ये सैंडविच? बहुत फेमस है इंदौर का मधुरम सैंडविच। और सब अभी खाने में इतना बिजी है कि बिल्कुल भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। इंदौर का जायका कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सराफा। और वहाँ पे क्या खाएंगे तुम देखो, फिर तुम बताना तुमको क्या खाना है। गाइस अभी हम आए हैं सराफा घूमने के लिए। सराफा वैसे वहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ। वहाँ बहुत भीड़ है इसलिए हम पीछे के रास्ते से आए हैं, फिर हम इसके बाद हम आगे जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे हम दिखाते हैं असली सराफा। हाँ एक्चुअल व्लॉगर तो ये मामी जी होनी चाहिए थी, उल्टी हो गई यहाँ पे शायद काम। क्या सीख रही हूँ मामी जी? गाइस मामी जी आ रही है, मस्त था एकदम, शाही पराठा लेके ही। और जितना ये साथ में होते तो मज़ा आता ज़्यादा। वैसे बैठ गए मस्त पंगत लगा के, अपनी जगह ढूंढ ली हमने, हमारा ठिकाना ढूंढ लिया और मस्त बैठ के हमने लजीज बोल दिया ना उसके बाद में। नहीं मम्मी अपनी बस ये लजीज पराठा हमने ख़त्म कर दिया। और वो रे मामा कैसा लगा? गाइस हम यहाँ पे अंदर अंदर छोड़ रही थी खाने के चक्कर में, बोल रही मुझे भी चलो चलो सराफा। मैं पीछे बोलूँ कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? कोई नहीं। हाँ मामा क्या लेके आए हो आप? तो मुझे हरी मार के आ गई। बूटे का किस लाए हैं मामा? बैग में। दीदी चम्मच का किस? चम्मच का किस नहीं, एक बूटा किस। गाइस अभी हमने कोकोनट क्रश, चलो चीयर्स। अब हम आ चुके हैं देवो। सो गाइस अब हम आ चुके हैं घर पर और वो दोनों अपने शूज वगैरह उतार रहे हैं। मामा तो चले गए, उनके पैर दुख रहे थे, दबाने पड़ जाएंगे शायद मुझे। दबाना पड़ेगा। हाँ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और मामी जी मुझे टोन देने से एकदम रुकी नहीं रही है, बस धड़ धड़ धड़। चलो गाइस ब्लॉग को यहीं एंड करता है। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून, सी यू सून, टाटा बाय बाय।